फाइन काट, मतलब लोगों में एक भय आ जाना चाहिए कि आप शहर में निकलेंगे तो फाइन कट, एक भय होना चाहिए, घर से निकलते समय उसका दिमाग में दूर से उसको भी करोगे तो बांधो, निकालो फट से निकालो। हमको देख के तुम ये बांधते हो, करोना दिख रहा है तुम्हें कहीं, हमसे थोड़ी भी डरना है, करोना से डरना है। चलिए शासन की तरफ से जो साप्ताहिक बंदी का आदेश है उसका अनुपालन देखने के लिए औचक रूप से रेलवेगंज और अन्य जितने भी शहर के प्रमुख क्षेत्र हैं उनका मेरे द्वारा आज निरीक्षण करा गया है। साथ ही साथ संक्रमण के इस दौर में जब कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये बेहद ज़रूरी है कि हम लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो अपना नाक और मुँह कपड़े से या मास्क से ढक के रखें। इसके बारे में जागरूकता भी करी जा रही है, चौराहों पर अनाउंसमेंट भी हो रहा है। और आज जब निरीक्षण करा गया तो इस बात पे भी खास ध्यान दिया गया कि जो लोग इस तरीके से अपना नाक या मुंह नहीं ढके हुए हैं उनके ऊपर तत्काल उसी समय जुर्माना भी लगाया गया। एक दो दुकानें भी जो खुली हुई मिली, जो उल्लंघन करती हुई मिली, उन पे भी जुर्माना लगाया गया। आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के यदि उल्लंघन दिखेंगे जिससे न केवल हम अपने को बल्कि पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं, तो जुर्माना लगाते हुए कड़क मुकदमे भी लिखवाए जाएंगे। ठीक है, काटिए पर्ची काटिए। मास्क लगा के आओ, हमने तो लगाया। लेके आओ भाई, 2000 रुपया लो। इसी घर के ये चारों हैं, दूर दूर खड़ा होकर।